वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में HPU के द्वारा पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था, तो उसी को लेकर आज हम एक प्रश्न पत्र पर पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको बता दूँ, कुछ एक प्रश्न पर डाउट भी हो सकता है। अगर आपको लगे कि यह प्रश्न गलत बताया गया है, तो आप उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं GK सेक्शन को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था GK का, तो इसमें पूछा गया था आपका, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना था, तो वो होगा विकल्प सी, 1951 में। सी सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है, भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, NB रमना। जो NB रमना है, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 42वां संवैधानिक संशोधन है, इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 43 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा गया है, भारत वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण किए हुए हैं। तो ये हो जाएंगे विकल्प डी, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा, जापान। यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ शुरू से बने हुए थे, तो आपको यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने अपने चैनल पर डिस्कस किए थे, स्पेशली हिंदी के और HPGK के। अगला क्वेश्चन है 46, इसमें पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति कौन चुना गया है। तो ये हो जाएंगे विकल्प सी, जो बाइडन। जो 45वें थे, तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है 47, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, रेणुका झील। जो रेणुका झील है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ये क्वेश्चन हमने बहुत से बार डिस्कस किया था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चंबा। अगला क्वेश्चन है 49, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, लाहौल और स्पीति घाटी के साथ जोड़ता है रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को। ये HPGK के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पहले हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किए थे, जितने भी क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं HPSSC, उनको हम डिस्कस करते हैं, और यहीं से बहुत से क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। तो ये हो जाएंगे विकल्प ए, एंटोनियो गुटेरेस। 50 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा गया है, भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट, और ये है आपके उत्तराखंड में। 51 का सही डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। 52 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, इसमें पूछा गया है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है। तो ये हो जाएगी 14वीं। सी सही हो जाएगा 53 का। अगला क्वेश्चन है 54, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन है। तो ये हो जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 55, इसमें पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये हो जाएगा विकल्प बी, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है 56, सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, और ये किस खेल से संबंधित थे। तो ये थे भाला फेंक से। तो जो 2020 में सिर्फ नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो नीरज चोपड़ा हैं, ये भारत के किस राज्य से संबंधित थे। तो ये हो जाएंगे आपके हरियाणा के। अगला क्वेश्चन 57, इसमें पूछा गया है, किस तापमान में सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर समान बढ़ते हैं। तो सही होगा यहाँ पर विकल्प बी, -40°C। अगला क्वेश्चन 48, इसमें पूछा गया है, पानी में हवा का बुलबुला डैश जैसा व्यवहार करता है। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है 59, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी।
तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी C14। अगला क्वेश्चन है 60, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे अरस्तु। 60 का सही विकल्प बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ जो ये क्वेश्चन पेपर है आगे आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, इसी के साथ फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर वहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। जो भी आपके बच्चे या दोस्त कोई भी आपका जो फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस की तैयारी कर रहा हो उसको ये वीडियो अवश्य सेंड करिएगा। अगला क्वेश्चन है 61, मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, तो ये हो जाएगी फीमर। विकल्प ए सही हो जाएगा। अधिकतर बार ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर हो जाएगी। अलग अलग ढंग से ये भी इस प्रकार से पूछा जाता था कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये फीमर हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 62, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ अलरेकर। सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये हुए थे 1972 पर। अगला क्वेश्चन है 64, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, तो ये था विकल्प बी नरेंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है 65, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा विकल्प सी बिलासपुर। जो नलवाड़ी मेला होता है तो यहाँ पर पशुओं की बिक्री अधिकतर प्रसिद्ध है। आगे हम डिस्कस करते हैं अब हिंदी सेक्शन को। क्वेश्चन है, देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी स्वर्ग। जो स्वर्ग है ये देवलोक का पर्यायवाची होता है, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि जो देवों का निवास स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा स्वर्ग। अगला है, आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा विकल्प बी विकर्षण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर जो विकल्प ए है उन्नति, विकल्प ए के अनुसार उन्नति लिखी जाती है, तो शुद्ध हो जाएगा विकल्प ए। आगे है 4, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर विकल्पों के अनुसार अशुद्ध शब्द हो जाएगा विकल्प ए सन्यासी। जो सन्यासी होता है तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से, तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो वैसे तो यहाँ पर लगभग सारे वाक्य गलत ही दिए गए हैं, पर सही माने जाए तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। गुणवत्ती महिला सर्वत्र सम्मान होता है, जो गुणवत्ती महिला होता है इसका सर्वत्र सम्मान हो जाता है, यहाँ पर इसे सही मान सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की पर इसका सही आंसर का पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द का विशेषण बताएं, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय। 6 का ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 7, चांद पर थूकना का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाता है किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, सब कुछ खाने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए, तो ये हो जाएगा सर्वभक्षी। तो 8 का सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 9, पीले हैं अंबर जिसके, इसका समस्त पद कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प बी पीताम्बर। जो पीताम्बर है इसे कहते हैं, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर कहते हैं बस्तर को। अगला क्वेश्चन है 10, जहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समस्त समास होता है, तो ये हो जाता है विकल्प डी द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, यहाँ पर दोनों पद प्रधान हो जाते हैं इसलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प डी अधि। तो इससे पिछली वीडियो जब मैंने डिस्कस की थी वहाँ पर मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताया था, तो आज फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम अध्यक्ष शब्द को लेते हैं तो यहाँ पर जो उपसर्ग कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा आगे के अधि को, अ को। अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि अध्यक्ष में प्रत्यय कौन सा होगा, तो यहाँ पर होना था लास्ट के जो शब्द होते हैं यक्ष, यक्ष यहाँ पर आपका प्रत्यय आना था। इसलिए आपको यह याद रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भेद होता है। अगला क्वेश्चन है 12, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अभी डिस्कस किया था तो यहाँ पर इसका उत्तर भी मिल जाएगा आहट। सी सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। तो ये है प्रत्यय जो अंत में लगता है, और जो शुरू में लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है 13, नमस्कार शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प ए नमः जमा
कार। अगला क्वेश्चन है 14, व्यक्ति शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है 15, फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है, तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ फादर बुल्के का पूरा नाम था फादर कामिल बुल्के, तो इनका जो महत्वपूर्ण देन मानी जाती है हिंदी में तो ये होगा हिंदी अंग्रेजी के कोश को इनके द्वारा बनाया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है 16, बल्वाचार्य के शिष्य कौन थे, तो जो बल्वाचार्य के शिष्य होंगे तो ये हो जाएगा सी सूरदास। अगला क्वेश्चन है 17, लड़िकाई का अर्थ क्या होगा, तो जो लड़िकाई का अर्थ होता है तो ये होता है बचपन, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, कमर में पहनने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है, तो वैसे तो अधिकतर जगह कमर में बांधने वाले आभूषण को कमरबंद कहा जाता था, तो पर विकल्प में ऐसा कुछ विकल्प नहीं दिया गया है, तो सही यहाँ पर किंकणी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, बिस्मिल्लाह खां संगीत के किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित है, अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां थे संगीत के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, प्रतिष्ठित है, प्रोनाउंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 19 का ए, शहनाई वादक के तौर पर ये प्रतिष्ठित है। अगला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर 20, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प डी शलेश अलंकार। 20 का सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको शुरू में बता दूँ जो मैथ्स और इंग्लिश है यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये निजी प्रिया से उत्तर थोड़े गलत भी हो सकते हैं, पर जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी हम इन्हें डिस्कस करेंगे, तब तक आप संयम बना के रखिए और सही उत्तर के लिए हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है 21, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आना था तो ये हो जाएगा 21 का ए, इन्हें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जो जो मुझे मेरे टीम के द्वारा उत्तर बताए गए हैं उन्हीं को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगला है 22, इसमें जो सही उत्तर होना था तो ये हो जाना था बी। आगे है 23, इसका सही उत्तर होगा सी -77। आगे है 24, इसका जो सही उत्तर होगा तो ये हो जाएगा डी 245। अगला क्वेश्चन है 25, इसमें जो सही उत्तर होगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें जो सही उत्तर होना था तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें जो सही ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इसका जो सही ऑप्शन होना था तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 0। अगला है 29, इसमें जो सही ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 30, इसमें जो सही ऑप्शन होना था तो वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें जो सही ऑप्शन होना था तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32, इसमें जो सही ऑप्शन होना था तो वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें जो सही ऑप्शन होना था, मुझे सी और डी में थोड़ा संशय है, तो देखिएगा क्या आंसर इसका होता है ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसमें सही ऑप्शन बी होगा, तो हाँ दोस्तों आप अपने नंबर भी बता सकते हो कि आपके नंबर हमारी आंसर की के आधार पर कितने बनते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने नंबर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है कि जो कौन सा सही उत्तर होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट 40, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, इसका सही ऑप्शन हमने इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो 66 है होली का, ये हो जाएगा विजडम।
डी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इसमें शेम का पूछा गया है, शेम का हो जाएगा ग्लोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एनिमिटी, तो इसका सही हो जाना है फ्रेंडशिप, ऑपोजिट वर्ड मीनिंग है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर सही स्पेलिंग के बारे में पूछा कि कौन से स्पेलिंग सही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 69 का ए आर्किटेक्चर, इस प्रकार से लिखा जाता है। 70 में जो कमेटी लिखी जाती है तो वो ऑप्शन डी के अनुसार लिखी जाती है। 71 में जो हरासमेंट की स्पेलिंग होगी तो वो इस प्रकार से होगी, ऑप्शन डी। 72 में कंपटीशन का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, तो यहाँ पर दिस इज अ बुक, इसका जो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एडजेक्टिव, दिस इज अ बुक, दिस एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 में जो फास्ट है ये हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट 75 में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ब होगी डिसाइड का। नेक्स्ट है 76, शी इज़ वेरी टाल, तो यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 78, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 79 का डी इन। नेक्स्ट है 80 में हो जाएगा बी सिंस। नेक्स्ट है 81, तो यहाँ पर आएगा ए ऑफ। मैं इन प्रश्नों को ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपको इनके उत्तर बता देता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लॉन्ग ना जाए इसलिए आपको ये कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 82, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी सैड। 84 में हो जाएगा आपका फ्रेंडशिप बी। 85 में हो जाएगा फेम का रेपुटेशन बी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप बताइएगा कि 85 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अपने वीडियो को समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।